नमस्कार दोस्तों, मैं वी के यादव। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, टारगेट लाए 100%। इस पर हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, GD के लिए स्पेशल, जब भी बहुत ही कम समय बचा है। तो इसमें SSC के लिए सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाले हैं। जैसे अभी रेलवे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, रेलगाड़ी संबंधित, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे हम एक ही वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो SSC में अभी तक पूछे गए हैं। तो देखिए, पहले इसका थोड़ा बेसिक बताया था, उसके बाद में आपको क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि यह है रेलगाड़ी में कुछ SSC में जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, किसी चाहे CGL का हो, SCL का हो, GD के लिए हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हम बताएंगे आपके लिए। जैसे एक होता है किलोमीटर, एक किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कराता, तो इसको क्या करते हैं, तो इसको करेंगे एक किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/18/5 से गुणा करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसमें, ये इस पर करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें इससे अब क्वेश्चन बताएंगे हम जो भी आने वाले हैं, इसमें कैसे कैसे आएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया था रेलगाड़ी में। तो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर, एक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी 600 मीटर है, यदि उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। यानी एक उसकी चाल है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, एक घंटे में, तो समय ही पूछ रहा है, तो 600 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि चाल बराबर एक दूरी बट्टे समय फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे समय। तो इसमें देखिए, ये लंबाई मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर ली, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 × 5 = 72, 4 × 5 = 20, ये कहेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हम क्या हमारी होगी चाल ही तो होगी, तो ये कितनी है दूरी है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है एक हमारा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल कितनी दे रखी है हमें, 20, दूरी कितनी है हमारी 600, निकलवा क्या रहा है कितने समय में, तो ये टाइम पूछ रहा है, x का इधर करेंगे तो x बराबर निकालेंगे, तो 600/20 हो जाएगा, इधर 2 से 2 2 3 6, 30 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा सवाल है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से। और भी क्वेश्चन है इसमें ऐसे ही, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें उसी तरीके से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप में, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, ज़्यादा नहीं है। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 750 मीटर है, एक रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी 750 मीटर, यदि उस पर 450 मीटर की लंबाई का एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति, एक प्लेटफार्म है वो कितना लंबा, 450 मीटर लंबा, पर खड़े व्यक्ति को 54 किलोमीटर घंटे की स्पीड से पार कर जाती है। यानी एक ट्रेन है 750 मीटर लंबी और जो प्लेटफार्म है वो 450 मीटर लंबा है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको व्यक्ति को जो पार कर रही है ट्रेन, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार कर रही है, तो उसे कितना समय लगेगा उस आदमी को पार करने में। तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए ये जो ट्रेन होती है, जो जैसे ये कि प्लेटफॉर्म है कोई मान लो, और ये हमारी ट्रेन जा रही है, ये मान लो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन मान लो 300 मीटर प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन यहाँ से हमारी गुजरेगी, ये 300 मीटर पीछे, तो 300 मीटर ये अपनी लंबाई के बराबर ही मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तभी तो पार कर पाएगी, ये यहाँ तक है मान लो 300 मीटर, तो इसको पूरे को पार करेगी प्लेटफॉर्म को यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से शुरू होगी 300, तो ये पूरा पार करेगी तभी तो आ पाएगी यहाँ 300, तो
तो जो लंबाई जो ली जाएगी वो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई ली जाती है, ठीक है। तो इसमें इसको चेंज कर लीजिए, पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 × 5/18, 18 × 54, 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आएगी हमारी चाल, चाल बराबर कितना हो गया हमारा 15, और दूरी बराबर हमारी कितनी है 750 है, और समय हमें निकालना है कितना आएगा। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल कितनी है हमारी 15 सेकंड है, दूरी कितनी 750 है, एक्स निकालनी है तो 15 × 5 = 75 सेकंड में ये पार कर जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। और भी देखिए आगे क्वेश्चन, इसमें बहुत ही आसान तरीके के हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसे भी हम बता रहे हैं अभी, तो एक मिनट रुकिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, ये कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर क्या है, एक लंबी रेलगाड़ी है, 80 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर, 80 मीटर लंबा क्या है एक प्लेटफार्म है, को 16 सेकंड में पार कर जाती है। यानी 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 80 मीटर प्लेटफार्म लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वह रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। इसमें देखिए लंबाई, लंबाई और समय दे रखा है, इसमें चाल नहीं दे रखी, और यहाँ समय निकलवा रहा है, तो पहले हमें चाल निकालनी पड़ेगी। तो चाल के लिए आपको मालूम फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखिए करेंगे क्या, जो दूरी है वो 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 80 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो ये दूरी जो टोटल होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी, 120 और प्लस 80 यानी 200 मीटर हो जाएगी दूरी, ठीक है, टोटल जो 16 सेकंड में पार कर रही है। तो इसमें 16 सेकंड में जो पार कर रही है, तो चाल बराबर हम निकालेंगे, तो दूरी हमारी कितनी आएगी 200 मीटर, और चाल कितनी हमारी 16, तो 4×5 = 20 और 4×16 यानी 25/2 हमारी ये मीटर प्रति सेकंड आएगी, क्योंकि यहाँ भी मीटर में ही है और यहाँ भी सेकंड में है, तो ये हमारी चाल आएगी। अब पूछ क्या रहा है समय, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला वही होता है। तो दूरी जो कितनी है अब टोटल हमारी, जो 60 मीटर में प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को तो पार कर रही है, खड़े व्यक्ति को पार करने में, तो व्यक्ति जो खड़ा है वो 60 मीटर में प्लेटफॉर्म पर, वो यानी ये यानी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये ट्रेन जा रही है यहाँ से, तो प्लेटफॉर्म पूरे को थोड़ी पार कर रही है, केवल आदमी को पार कर रही है इतनी दूरी, तो जो अपनी दूरी के बराबर तो आदमी को पार करेगी, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 120 मीटर, चाल हमारी 25/2 है, और समय हमें पूछ रहा है वो, तो इस तरह करेंगे, इधर करेंगे 5×25, 5×10 = 5×20, 24×48/5, 5×45, 3/5, ये हमारा आंसर होगा इसमें, ओके। और भी वीडियो आगे हम जो टॉपिक है उसमें क्लियर करके बताएंगे आपको। अगर वीडियो सब पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।